साथियों, हम बात करने वाले हैं भारत की उस भूमि के विषय में जो इन दिनों काफी चर्चा में है और भूदशान के संकट से जूझ रही है। इसके विषय में आपने हमारी मित्र रितिका से एक वीडियो में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। इस वीडियो में हम जोशी मठ के इतिहास, वहाँ की परंपरा और इस संकट के विषय में बात करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए वीडियो को आरम्भ करते हैं। जोशी मठ या ज्योति मठ, ये भारत के उत्तराखंड राज्य के चमेली जिले में स्थित एक नगर है जहां हिंदुओं की ज्योतिष पीठ स्थापित है। यहां छठी और सातवीं शताब्दी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य ने ज्ञान को प्राप्त किया था और यहां उन्होंने पहली मठ की स्थापना की थी। उनके द्वारा भारत में अन्य चार मठों की स्थापना की गई, बद्रीनाथ मंदिर की भी स्थापना की गई, पर सबसे पहले उन्होंने ज्योति पीठ यहीं स्थापित किया था। जोशी मठ में आध्यात्मिकता की जड़ें गहरी होती जा रही है और यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु के पौराणिकत्व के इर्द गिर्द बनी है। पांडुकेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललितसुर के ताम्रपत्र के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी जोशीपीठ थी, जिसका उस समय नाम कार्तिकेयपुर था। ये सेनापति कंटुरा वासुदेव ने गढ़वाल के उत्तरी सीमा पर अपना शासन स्थापित किया और जोशी मठ को अपनी राजधानी बनाई। वासुदेव ही कंटुरा वंश के संस्थापक थे, जिसने सातवीं से ग्यारहवीं सदी के बीच कुमाऊं एवं गढ़वाल पर शासन किया। लेकिन हिंदुओं की माने तो ये उनके लिए गलत है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि शंकराचार्य ने जोशी मठ की स्थापना की थी। शंकराचार्य ने सदूत के पेड़ के नीचे तप किया और फिर उन्हें ज्योति या ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने यही एक शंकर भाष्य की रचना की, जो धर्म को मानते हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जोशी मठ में बोले जाने वाली भाषाएं गढ़वाली, भोटिया, हिंदी तथा अंग्रेजी है। अब अगर बात करें जोशी मठ के वास्तुकला की, तो ईटी एटकिंस द हिमालयन गैजेटियर के अनुसार इस शहर की वास्तुकला इस प्रकार है। विष्णु प्रयाग से इस शहर में प्रवेश किनारे के ऊपर से होता है तथा यहाँ पे स्टोन पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं। पर साफ पत्थरों से बने हैं, जिनकी छतें स्लेटों चिकने पत्थर से ढकी हुई हैं। इसी शहर के बीचों बीच 30 फीट स्थल पर दीवालों के ऊपर एक मंदिर है जो विष्णु भगवान को समर्पित किया गया है। आसपास का वातावरण इतना ज्यादा सुंदर है कि यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और एक ये महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन चुका है। यहाँ के कई मंदिर छिन्न भिन्न हो चुके हैं, भूकंप के कारण ध्वस्त हो चुके हैं उनके कुछ अंग। जोशी मठ में जो भूदशाव इन दिनों हो रहा है उसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जोशी मठ किस चीज से बना हुआ है और वो कैसा है। जोशी मठ रेत और पत्थरों से बना हुआ एक जगह है, यह कोई मुख्य चट्टान नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक बस्ती को बसाना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो जगह किसी बस्ती को बसाने लायक नहीं है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब की गेटवे कही जाने वाली, आदि शंकराचार्य की तपोभूमि इन दिनों धसाव का शिकार हो रही है। ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में भी दरार आ चुकी है और अब तक 675 मकानों में दरार आ चुकी है। जोशी मठ में हो रहे भूदशान के कुल 5 प्रमुख कारण हैं, जिन्हें मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। एनटीपीसी की तपोवन, विष्णुगार्ड परियोजन की टनल निर्माण, उसके बाद शहर में ड्रेनेज सिस्टम का नहीं होना, अलकनंदा नदी से लगातार हो रहे भू कटाव, क्षमता से अधिक अनियंत्रित निर्माण कार्य और पुराने भूस्खलन क्षेत्र पर बसा ये शहर, ये 5 प्रमुख कारण है जोशी मठ के भूधसाव के। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजन, इसके बारे में बात करते हैं। पिछले साल जुलाई में शोध करने वाले प्रोफेसर एसपी सती का कहना है कि 24 दिसंबर 2009 में हेलन गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक सुरंग में टनल बोरिंग मशीन फंस गई थी, जिसने हेलन गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर भूमिगत स्रोत, पानी के एक स्रोत को छेड़ दिया था और उसके बाद लगभग 1 महीने तक वहाँ पानी का रिसाव हुआ था। उन्होंने आशंका जताई है कि वो पानी का रिसाव ही जोशी मठ के भूदशाव का एक कारण है। अगर बात करें तो तपोवन में पिछले साल जो त्रादसी आई थी उसके बाद सुरंग में पानी घुस गया था और अब वो पानी नए स्रोत के जरिए बाहर आ रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है जोशी मठ के भूदशाव का। अगले कारण की बात करते हैं तो वहाँ ड्रेनेज व सीवेज की व्यवस्था बहुत ही खराब है। उत्तराखंड सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजन सिन्हा का कहना है कि जोशी मठ में ड्रेनेज व सीवेज की व्यवस्था को मजबूती से देखने और उसके पुनः उस पर काम करने की बहुत ही आवश्यकता है।
पिछले साल विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये कहा गया है कि जोशीमठ में ड्रेनेज व सीवेज की व्यवस्था पर काम करने की आवश्यकता है। अब तीसरे कारण की बात करते हैं तो जोशीमठ पुराने भूस्खलन क्षेत्र पे बना हुआ है, वो ऐसे एरिया पे बना हुआ है जहाँ पे अधिकतर भूकंप वगैरह आते रहते हैं और वहाँ की भूमि पहले से ही धसान का कारण रह चुकी है। उत्तराखंड आपदा प्राधिकरण के अधिशासी निर्देशक डॉक्टर पीयूष रतौले का कहना है कि पूर्व के शोधन में ये तथ्य सामने आए हैं कि ये शहर भूस्खलन वाली जगह पर बसा हुआ है। ग्लेशियर और भूस्खलन से निकलने वाले मिक्सचर पर यह शहर बसा हुआ है जिसके कारण यह भूमि अब धस रही है। अगले कारण की बात करें तो क्षमता से अधिक अनियंत्रित निर्माण कार्य, यहाँ काफी ज्यादा प्रोग्रेस मॉडर्नाइजेशन के चलते बहुत से नए निर्माण हो रहे हैं, ये भी एक कारण है यहाँ की भूमि के धसाव का। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया GSI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रसून जाना का कहना है कि जोशीमठ में निर्धारित क्षमता से अधिक बहुमंजिले इमारतें बन रही हैं, अत्यधिक दबाव बना हुआ है। उनका कहना है कि आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के अंधाधुंध निर्माण से भूमि धसाव हो रहा है क्योंकि भूमि पे दबाव बढ़ता जा रहा है। अलकनंदा में भू कटाव, ये पांचवा और आखिरी रीजन है जोशीमठ के भू धसाव का। वाडिया इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ भूस्खल वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्रमिता चौधरी का कहना है कि बद्रीनाथ के उच्च हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली अलकनंदा और धौली गंगा के संगम स्थल विष्णुप्रयाग में दोनों नदियां लगातार दो कटिंग कर रही हैं। विष्णुप्रयाग से हो रही कटिंग की वजह से जोशीमठ शहर का ढलान शुरू होता है। नीचे से हो रहे कटाव के चलते जोशीमठ क्षेत्र का पूरा दबाव नीचे की ओर बढ़ रहा है, इसके चलते भू धसाव में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे ही प्राकृतिक और मनुष्यों के प्रयोग से आज जोशीमठ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है। जोशीमठ के भूस्थल से जो लोगों को प्रभावित हुआ है, जो लोगों की लाइफ में इसका इफेक्ट पड़ा है, उनके लिए सरकार क्या करेगी। मैं अंकिता कुमारी गुंज लाइव से आपके लिए ऐसे ही डिटेल न्यूज लाती रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।